हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ दुबे जी। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिविजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिविजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग। अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट के द्वारा भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस यानी संपर्क रहित पार्किंग की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हाल ही में किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वॉट इज द हाइट ऑफ स्टम्प इन क्रिकेट। क्रिकेट में जो स्टम्प होते हैं उनकी हाइट क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जोसना चिनप्पा इज एसोसिएटेड विद। जो इंडिया की जोसना चिनप्पा हैं वह किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाई HRD मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इज। जो अभी HRD मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी उनका नाम क्या है और किस नाम से उन्होंने जारी की थी। चलते हैं रिविजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेस यानी संपर्क रहित जो कार पार्किंग है उसे हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसी के द्वारा भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, अशोक लवासा। अशोक लवासा वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त भी हैं और यही एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, मदासु अस्कावा और है जापान के। जो क्रिकेट के स्टंप की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 28 इंच। क्रिकेट के स्टंप में हाइट होती है उसकी 28 इंच हाइट होती है। जो जोसना चिनप्पा है वह एक स्क्वैश प्लेयर है और है अभी वर्ल्ड रैंकिंग में वुमेन कैटेगरी में 10वें नंबर पर आ गई हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन्स कैटेगरी में जोसना चिनप्पा 10वें नंबर पर आ गई हैं और वह एक स्क्वैश की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि जो गाइडलाइंस है जो HRD मिनिस्ट्री ने जारी की है वह प्रज्ञप्त नाम से जारी की गई हैं। हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हीं के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उन्होंने इन गाइडलाइंस को प्रज्ञता नाम से जारी किया है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टांगाम जनजाति पर किताब लिखी है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू के द्वारा टंगाम जनजाति पर एक किताब लिखी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही है। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने जो वहाँ की टंगाम जनजाति है उन पर यह किताब लिखी है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गाँव में रहते हैं और इस समूह के जो यह भाषा बोलने वाले हैं उनकी संख्या मात्र 250 रह गई है और उन्हीं को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से किसे माना डॉक्टरी की उपाधि से नवाजा है। तो अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने मार्कस रैशफोर्ड को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन C सही है। ए है मार्कस रैशफोर्ड और इन्हीं को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। यह एक 22 वर्षीय इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं। उन्होंने यह उपाधि बाल गरीबी खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चार्ल्टन के नक्शे कदम पर चले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो अभी चंद्रका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन A सही है। A है चंद्रका प्रसाद संतोखी और इन्हीं को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। यह भारतीय मूल के हैं और वे पूर्व सेन तानाशाही डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में चुनाव हार गई थी। सूरीनाम की कैपिटल क्या है, सूरीनाम की कैपिटल है पैरा मारिबो
और यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी करेंसी क्या है? सूरीनामी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साई भर अभियान की शुरुआत की है? तो अभी तेलंगाना पुलिस के द्वारा साई भर अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा आदि संबंधित जानकारी के लिए साई भर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। साई भर 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं एवं बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में बदला जाएगा? तो असम में जो एक पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे वन्यजीव अभयारण्य में बदला जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में बदलने का फैसला लिया है। यह फैसला असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिया है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के धेमाजी जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। बात असम की है तो असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, नावाई नेशनल पार्क और असम में जो देहिनपटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी अब उसे नेशनल पार्क में बदल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 टेस्ट किट कोरोसोर विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 किट जिसका नाम क्या है? कोरोसोर कोरोसोर विकसित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इस कोरोसोर किट को विकसित किया गया है। यह COVID-19 के टेस्ट की जानकारी करेगी और इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। इस किट को प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की संसद क्षेत्र है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी? तो अभी नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वे महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह नीला सत्यनारायण और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। यह महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं और 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 84 लाख रुपए की कृषि विकास परियोजना शुरू की है? तो अभी नाबार्ड के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 44 लाख रुपए की कृषि विकास परियोजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नाबार्ड ने अंडमान निकोबार में 84 लाख रुपए की परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात नाबार्ड की है तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे हेड है गोविंदा राजू चिंटाला। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्टवेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल DK सिंह यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो अभी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था और 12 जुलाई को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया था। तो 17 जुलाई क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया गया। यह दिवस विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में भी लोगों के जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में और इसकी स्थापना सन 2002 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 के जो युवा ओलंपिक हैं उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में
2022 के जो युवा ओलंपिक थे उनको 2026 के लिए स्थगित कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आईओसी के द्वारा 2022 के सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डेकर में होने वाले जो डेकर में युवा ओलंपिक होने थे उनको अब 2026 तक स्थगित कर दिया है। बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की है तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसनी स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उर्वरक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को जैसे यूरिया DAP आदि खाद वितरित किए जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ वह गोमती नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में टीम 11 की शुरुआत की गई थी और बालचोरी अदालतों की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने सभी सार्वजनिक जगहों पर आयु सेतु को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था और उत्तर प्रदेश के जो CM है उन्होंने जियो टैग कमेटी को चुनने की शुरुआत भी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश जो COVID-19 मृतक होते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी ने यह घोषणा की है। बात आंध्र प्रदेश की है तो AMF में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश में ही देश का 25वां हाईकोर्ट बना है जो अमरावती में बना है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आज हम स्टेट में हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। AMF में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिमालय है ऐसे और कई राज्यों के साथ शेयर होता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश की एक और कैपिटल है धर्मशाला को भी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो है आचार्य देवव्रत और यहाँ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिनबेली नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला पास है, रोहतांग पास है और बारालाचा पास भी हिमाचल प्रदेश में ही है। कंट्री में आज हम मैक्सिको को डिस्कस करेंगे। ए है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसका बॉर्डर USA के साथ शेयर होता है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पीसो। यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। और मैक्सिको 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को मैक्सिको, कनाडा और USA के द्वारा होस्ट किया जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं कि मैक्सिको से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हो जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको से होकर गुजरती है। पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।